नमस्कार। शिक्षक अभिभावक की बैठक प्राइमरी स्कूल कसेरवा में आयोजित हुआ। बता दें, प्राथमिक विद्यालय कसेरवा में खंड शिक्षा अधिकारी मछली सह श्री बसंत कुमार शुक्ला के द्वारा, ग्राम प्रधान कसेरवा श्री आजाद सरोज के द्वारा विद्यालय परिसर में कराए गए काम को सराहनीय कार्य पर सम्मानित किया गया और बसंत कुमार शुक्ला ने सुविधाओं की दी जानकारी। इस मौके पर अनिल पांडे उर्फ दरोगा, जटाशंकर दुबे, राजपद यादव, अनिल त्रिपाठी आदि लोग मौजूद रहे। देखिए अजय कुमार सैनी की रिपोर्ट। से हट करके आप लोग, क्योंकि यहाँ लर्नेड अध्यापक होते हैं जो टेट सीटेट पास करते हैं बीएड के बाद, इसके बाद तब उनका चयन होता है और वहाँ को कार्यक्रमों में हमें हाई स्कूल इंटर पास लोगों को 500-600 को नौकरी करते देखा है। तो बच्चों को कौन सी शिक्षा देंगे? लेकिन वो टाई वाला समाज, गाड़ी में जाना, बढ़िया जूता पहनना, ABCD बढ़िया बोल लेना, इससे लोग हमारे अभिभावक प्रभावित हो जाते हैं कि लड़का हमारा बहुत तेज हो रहा है। जबकि अभी हमारे शिक्षा अधिकारी महोदय ने बताया कि प्राथमिक विद्यालय में नैसर्गिक विकास होता है, यहाँ बहुत ही कार्य होते हैं, खेलकूद भी होते हैं, सामाजिक सरोकारों से अनुभव कराया जाता है, तमाम योजनाओं का लाभ उनको मिलता है। इसलिए हम सभी जागरूक होकर के और अपने प्राथमिक अभिभावक के खाते में जा रहा है। अभिभावक खाते में इसलिए जा रहा है क्योंकि अभी बच्चा नाबालिग है। जब तक नाबालिग है तब तक तो आपके खाते में जाएगा, जिस दिन वो बालिग हो जाएगा तो उसके खाते में जाना शुरू हो जाएगा। लेकिन अमूमन होता है कि उस पैसे को, उस बच्चे का पैसा ना मान करके हम लोग अपने पर खर्च कर लेते हैं, जबकि उसका कोई मतलब नहीं है कि जब 1200 रुपये मिला तो पता चला उसकी हम खाद खरीद लिए या कुछ और चीज खरीद लिए। लेकिन है कि उसकी जो मूलभूत आवश्यकता है उस पर हम ध्यान नहीं देते, वास्तव में जिस मत के लिए मिला हुआ है। तो आप लोगों से बिना अपना अनुरोध है कि आपको जो पैसा मिला हुआ है